हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर डे। आई एम होपिंग कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। सो बेसिकली आज है सेकंड लास्ट लेसन स्विमिंग का मेरे भाई का। सो बेसिकली वो जब से समर हॉलीडेज़ थी तो उसको हमने इनरोल किया हुआ था स्विमिंग लेसन्स के लिए। द थिंग इज़ के स्विमिंग जो है वो बहुत अच्छी स्किल है, सबको करनी आनी चाहिए स्विमिंग, स्पेशली फॉर किड्स जो है ना, उनको स्पोर्ट्स स्विमिंग और इस तरह की एक्टिविटीज़ में आई बिलीव ज़्यादा जो है ना इंगेज करके रखना चाहिए। तो अभी मैंने इसको स्विमिंग सेंटर में छोड़ा है स्विमिंग के लिए, ठीक है, फॉर लाइक गुड 2 आवर्स। 50 मिनट्स पे एक लेसन था, फिर नेक्स्ट लेसन जो है ना अनदर 50 मिनट्स था। और क्योंकि यहाँ पे जो है वो बुकिंग होती है, डिफरेंट स्लॉट्स होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो लेसन टीच करते हैं। और क्योंकि आज वेनसडे था, अदरवाइज़ मैं भी स्विमिंग करती वेनसडे को। यहाँ पे मोस्टली जो होता है ना वो टीचिंग स्विमिंग लेसन होते हैं, तो नॉर्मल पब्लिक को अलाउ नहीं होता उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम में स्विम करने के लिए। सो बेसिकली इसके ये जो स्विमिंग हमने इनरोल करवाया हुआ लास्ट 2 मंथ से, और इसको स्विमिंग इसके पहले भी अच्छी थी लेकिन और भी ज़्यादा इम्प्रूव जो है ना इससे हो गई थी। तो इसको स्विमिंग का लेसन एक स्लॉट हो गया हुआ था, फिर हम इसके स्विमिंग सेंटर के बिल्कुल ही नियरेस्ट एक बहुत अच्छा पार्क था और एक बिग क्रिकेट ग्राउंड था। तो हम यहाँ पे बाहर वॉक करने के लिए आए थे क्योंकि ये टाइम होता है, इसमें आप स्नैक्स ले सकते हैं, वॉक करके आ सकते हैं, चेंज करना है या आप थोड़ी देर प्ले कर सकते हैं वार्म अप करने के लिए, ताकि दोबारा जो है आप नेक्स्ट स्लॉट के लिए रेडी हो जाएं। तो इसने बेसिकली एक लेसन ले लिया हुआ था, तो अभी हम इस ग्राउंड में आए हैं। ये मुझे लगता है इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे इस ग्राउंड की मुझे अच्छी लगी है, यहाँ पे कोई स्विंग्स नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई इतनी एक्टिविटी करने के लिए कोई इस तरह से कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है या कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं है। लाइक ये बिल्कुल ग्राउंड है, एक अच्छी चीज़ है कि समटाइम्स आपको इन चीज़ों की ज़रूरत इसलिए होती है कि मे बी फॉर रनिंग और उस तरह की कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ प्ले करने के लिए ना, जब ज़्यादा पार्क में स्विंग्स और ये सब कुछ होगा तो उस तरह से मुझे रनिंग के लिए वो स्पेस उस तरह से यूटिलाइज़ नहीं की जाती है। ये बहुत अच्छी स्पेस है यहाँ पे, और ये एरिया इस तरह का लगता है जैसे जंगल टाइप है कि जैसे कोई आगे नेक्स्ट, और ये फॉरेस्ट ही है, यहाँ से फॉरेस्ट का आगे जो है ना यहाँ से इनिशियल इसकी बिगिनिंग है, ये सेंट्रल लाइन है, इसको आपने क्रॉस करना है तो नेक्स्ट पे बिल्कुल वहाँ से फॉरेस्ट जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। सो ये बेसिकली जो है ना बहुत जो है ना यहाँ पे क्राउड नहीं होता है, बहुत इजी जो है ना पीजी लेमन स्क्वीजी वाला यहाँ पे सीन है। इट्स लाइक वेरी वेरी स्ट्रेंज प्लेस इन अ वे कि यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं इस साइड पे, कम्युनिटी जो है वो बहुत कम लोग रह रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे मोर लाइक चर्चेज हैं और उस तरह से, यहाँ पे एक दो आइसक्रीम शॉप्स हैं उनके, वो भी उतना नहीं है उस तरह से चलती हैं आई बिलीव, क्योंकि लोग यहाँ पे रहते नहीं है ज़्यादा। तो ये थोड़ी सी हॉन्टेड जो है ना इसके सीन्स आए हैं समटाइम्स, मैंने इसके सुने भी फील होता है यहाँ पे। और मैंने इसका एक जर्नल आर्टिकल भी रेड किया था जिसमें वो बता रहे थे कि ये पर्टिकुलर जो एक टाउन है या एरिया है हमारा, और वहाँ पे ये इसकी सुनारी है, यहाँ पे लोग नज़र ही नहीं आते हैं, आई डोंट नो वाई यहाँ पे क्या है इस तरह से, बट देर मस्ट बी समथिंग। अब ये जो है यहाँ पे आइसक्रीम स्टोर आई थिंक सो कॉफ़ी बार समथिंग है। तो ये इतनी देर से हैं और इस जब भी हम यहाँ से गुजरते हैं ना, यहाँ पे कभी नहीं देखा ये ओपन हुआ और यहाँ पे कोई आ रहा हो। ऑल्दो जब भी ओपन भी होता है फिर भी यहाँ पे लोग नहीं इस साइड पे आते हैं, आई डोंट नो इसमें क्या कोई इसमें क्या इसके पीछे लॉजिक है, बट ये रियलिटी है कि ये ओपन भी है, ये अच्छा बना हुआ है, लेकिन उस तरह से यहाँ पे इसकी कस्टमर जाना बहुत ही कम होते हैं। वेल यहाँ पे इनका ये वाला जो केक है, ये एक दिन हमने ट्राई किया था, मैं भी दिखा रही थी अपने भाई को कि ये बहुत ही अमेजिंग था, इसका जो टेस्ट था ना वो बहुत ही डिलीशियस था, स्पेशली इनका जो मिल्क केक था ना इनकी कॉफ़ी के साथ, वो जो है ना कम्प्लीमेंट्री है। एंड आई थिंक सो जैसे कि मेरा भाई है, इसकी एज में हम इसको स्विमिंग भी करवाते हैं और कराटे क्लासेस भी, एंड आई थिंक सो स्पेशली एट दिस एज इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपार्ट फ्राम स्टडीज़ एंड एवरी थिंग कि इसको हम इन सब एक्टिविटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज करें। कराटे जो है वो बहुत ही बेस्ट एक्टिविटीज़ है, यू कैन डू योर सेल्फ डिफेंस, और इसमें आपको डिसिप्लिन भी टीच करते हैं और भी बहुत से इसके जाना बेनिफिट्स हैं। इवन दो के उसमें जो उसकी एज रेंज है उसके अकॉर्डिंग डेफिनेटली इनके लेसन होते हैं, पर बहुत मैंने यंग बच्चों को भी देखा है उसमें, ये एक अच्छी चीज़ है आई बिलीव इसे, स्पेशली दो चिल्ड्रन जिनके जो है ना कॉन्फिडेंस बहुत लोअर होता है, या जो उस तरह से अपने आप को आई बिलीव के सोशलाइज करने में उनको इशू होते हैं, या अपने आप को वो इस तरह से आइसोलेशन फील करते हैं, उनके लिए द बेस्ट एक्टिविटी कराटे है। कराटे, स्विमिंग, स्पोर्ट्स, फुटबॉल क्लब, क्रिकेट क्लब, सो ऑल दीज आर एजुकेशन, अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन दीज आर द हेल्दीएस्ट आई वुड से एक्टिविटीज़ फॉर गुड मेंटल हेल्थ एंड फॉर ब्रेन डेवलपमेंट एंड स्टफ। सो आई टोटली टोटली रिकमेंड कि अगर आपके कोई यंगर सिबलिंग्स हैं या कोई भी हैं बच्चे वगैरह आपके फैमिली में, तो डू टू गेट दैम इनरोल्ड इन दिस प्लेसेस बिकॉज दीज आर अमेजिंग। और मैंने पर्सनली मैंने अपना जो एक्सपीरियंस देखा और जिस तरह से हमने अप्रोच किया था कराटे क्लासेस को, वो एक बड़ा जेन्युइन फीडबैक लिया था। मेरी फ्रेंड है
उसकी कोई फ्रेंड है और उसने हमें वहाँ से रिकमेंड किया था कि आपके नियरेस्ट टाउन में ये कराटे क्लब है और इस तरह से. सो बेसिकली स्विमिंग और कराटे क्लब जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही प्लेस पे हैं, सेम रोड पे हैं, एक 2-3 मिनट्स के जो है ना डिफरेंस पे है. एक साइड पे स्विमिंग है, एक साइड पे कराटे क्लब उन्होंने बनाया हुआ है, साइड पे करके एक पार्क है और पार्क भी है साथ, और क्रिकेट क्लब के लिए भी एक उन्होंने स्पेस जो है ना वो छोड़ी हुई है. सो द गुड थिंग इज़ के दिस ये सब चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और ज़रूरी इसलिए कि आई थिंक सो मुझे लगता है कि लोगों की इस पर होती है कि ज़्यादा प्रायोरिटीज़ भी, कि आप किस चीज़ को ज़्यादा समझते हैं कि मतलब ये ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि ये समर टाइम था तो इसके पास मंथ एंड हाफ लाइक 4 और 5 वीक हॉलीडेज थी, तो हमने सोचा कि इसको अच्छे से 4-5 वीक इसका गुजरे, क्योंकि ये कहीं जा नहीं रहा ओवरसीज, तो इसको जो है ना बाहर कहीं भी नहीं मतलब जा पा रहा, तो हम इसको ले जाते हैं, हम इसको यहाँ पे किसी ऐसी एक्टिविटीज़ पे इनरोल कर दें ताकि इसकी जो हॉलीडेज हैं वो भी अच्छी गुजर जाएँ और मतलब इसके लिए जो है ना वो बेनिफिट भी हों. अब क्योंकि इसका सेकंड जो है वो स्लॉट स्टार्ट होने लगा है और इसके लिए कुछ स्नैक और ड्रिंक हमने लेने के लिए स्टोर पर जा रहे हैं, और अब आपने वीडियो जो है वो एंड तक देखनी है. आई होप यू लाइक इट एंड लेट्स गो, और फिर स्टोर देखते हैं. गो एंड गेट विच क्रिस्पी सर यू वांट. Oh my god, what did it do? Oh, wait, the biscuit. No. Talk some good when it's good. Lenny, get the biscuit in there. Yeah. Mama, ye dekho pickles. Wow. These are olives. ये है लेमन की और समथिंग, आई डोंट नो. गेस व्हाट गाइस, ये पिकल है ठीक है, और इसमें इन्होंने डाला हुआ है कॉलीफ्लावर ठीक है, लेमन्स, शिमला मिर्च है, और ये वो दूसरी वाली है मिर्च. मोहम्मद दाऊद ले लो, लो आके बिस्किट. व्हाट ये तो सारी पुडिंग्स हैं, पुडिंग बटर. मोहम्मद ये सारे पुडिंग्स हैं, देखो मोहम्मद ये क्या करने हैं, ये छोड़ो हम तो. आर यू श्योर? वैसे इनके पास सारी वैरायटी है, बिस्किट खाने हैं ना तो इधर से लेके बंदा खाए, लीडर शीतल के खा खा के तो दिल ही भर गया बिस्किट सुपर मार्केट. मोहम्मद है, मोहम्मद है, मोहम्मद लुक सुपर जीरा, ऑल दीज आर पाकिस्तानी. No, just milk. Nope. This is sugar-free biscuit. It does say sugar-free, but not necessarily. Okay, sugar-free. बहुत की variety है हर चीज की यहाँ पे. Sugar. मैं ये क्या? Oh, sugar again. Yeah. If you're gonna get biscuit, get. ये wafers ले लो, your favorite, and they are in different flavors. देखो कोकोनट भी है, पिस्टैशियो, दिस मस्ट बी सो अमेजिंग, पिस्टैशियो फ्लेवर, पिस्टैशियो क्रीम, पीनट बटर दफा ट्राई किया, कोकोनट भी ट्राई किया, चॉकलेट भी किया हुआ है, ये नहीं ट्राई किया. नो, वी जस्ट ओनली नीड वन मैन. और तू क्या करने है? मामा ये देखो केक बेक हुए हैं, इसमें बहुत शुगर नहीं है. भाई यहाँ से बकलावा जो मिलता है ना नेक्स्ट लेवल का बकलावा. मम्मी ये लेने आ रहे होते हैं शुगर में रॉ हनी, इसमें पता नहीं रॉ है कि नहीं. वाओ यार हनी है ये इसमें. मम्मी जल्दी आओ. That's everything. Next time? Yeah, give me back on the seat as well, please. Yes. Next time, please, Mohammed. Which one? और ये मैं कुछ इसमें क्लिप्स दिखा रही हूँ नेक्स्ट डे की. जाहिर है इसके 2 दिन लेसन्स हो गए हुए थे रेगुलरली, आज इनका जो है वो स्विमिंग का सिर्फ एक ही स्लॉट था और साथ इसका था कराटे का, तो अभी टाइम था, हम थोड़ा ज़्यादा अर्ली आ गए हुए थे तो हम फिर पार्क वाली साइड पे आ गए थे, और ये इसके सामने पार्क है इस स्विमिंग सेंटर के सामने.
तो ये बड़ा आई थिंक सो इसमें जो एक्टिविटीज़ है ना स्पेशली फॉर अर्ली ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये अच्छी हैं, क्योंकि इस पर मैंने देखा है सम यू नो जो इसमें है इन्होंने बनाए हुए हैं हाउसेज और ये सब कुछ उनके लिए एज अप्रोप्रिएट विच इज़ नाइस थिंग। सो फिर मैंने घर आके लिया शावर, आई ट्राई टू चेंज। सो ये बेसिकली सारे मैंने ईस्टर्न और वेस्टर्न कपड़े एक साइड पर किए हुए हैं, और जब मैं लास्ट टाइम आई थी पाकिस्तान से तो मैं जितने भी कपड़े पहले थे वो सब निकाल के उसको रिसाइकल किया। अब जो कुछ चुन के जो पहले नहीं पहने हुए थे इतनी देर, या जो नए अभी एडिशन किया एयर वो सब लगाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे वेदर इस तरह से है कि आप हर तरह के मुझे लगता है आउटफिट को हर दिन नहीं पहन सकते हैं क्योंकि सर्दी की वजह से। बट अगेन कभी अगर टाइम मिले ना, टाइम की बात नहीं है, टाइम भी वैसे पर टाइम पर भी डिपेंड करता है मोस्टली। अब क्योंकि जैसे ऑफ होता है तो मैं ज़्यादा इस तरह के जाना ईजिली ड्रेसेस पहन लेती हूँ, अदरवाइज़ तो फिर जब यू नो स्कूल और मे बी वर्क और यू नहीं तो फिर तो ज़ाहिर है उस तरह से जो है ना ड्रेसअप होना पड़ता है। एनी वेज तो ये कुछ इस तरह के जो कपड़े हैं जो मैं साइड पे कुछ कर रही थी, आई वॉज लाइक ये पहले कभी भी नहीं ट्राई किए मैं, सिंपल हैं लेकिन बहुत कम्फर्टेबल हैं। तो जस्ट मैंने फिर शावर लिया और अभी यहाँ पर मेरे पास ये वाला कलर था आई थिंक सो इसको मतलब कि 2-3 सालों में मैं लिया होगा, लेकिन इसका बिल्कुल जाना ज़ीरो ख़त्म हो गया, एंड है बिल्कुल, इस पर कुछ भी इसका हो नहीं था रहा, कोई भी इसने ज़रा भी कल्स नहीं किए अच्छे से। और आई वाज लाइक कि अब मुझे जाना मैं नेक्स्ट ज़रूर मैंने सोचा है कि मैं डायसन का ट्राई करूँ, क्योंकि उसका मैंने सुना है कि बहुत अच्छा है, तो अब मैंने वो ट्राई करना है। और आज बनी है हलीम, तो हमारे घर सारे स्पाइसिस थे, सब चीज़ें थी, बस ना दाल जो थी ना 2-3 दाल वो रह गई थी जो नील थी, तो हम मैं भी स्टोर पे गई हूँ ये दाल लेने के लिए, और उसके साथ दाल कुछ स्पाइसेस हलीम के लिए और बाकी तो चिकन वगैरह वो सब था। तो ये हमारा नियरेस्ट स्टोर है टर्किश जहाँ से मैं दाल लेके आया। Hello brother, you okay? Walaikum salam, we thank you. Do you have like a smaller pack in this one? That's a, like, just the bigger one, we don't need this much. Same, you have the small one like this one? Maybe like, I don't know what to say. Thank you. Which baklava, Mohammed? The last? Which one? Can you call the so we just need a fresh one, so recognize just coming. Yep. Chocolate latte cake. You know how you know sometimes how you okay Mohammed, which one? Genius. Is it a small pack or big pack? Brother, small pack. So how many pieces in one pack? This is a big one. No, not big one. Which one is a big one? Big one. No, smaller one would be fine. No, yep. The big one is better. Can you hold this one? No, honestly, the big one is better. Oh, are these are the biscuits? Yes, please. Brother, all these biscuits are sugar free, or these are biscuits? They are sugar inside. Yes, little bit. It's but the Iranian, you know. This one is the thing. Mm-hmm. Look, just the cake, Mohammed. Black baklava or this one? Which one? Mohammed, which one? Which one? Do you like it? Yes, yeah, just no. Give this one then. How many? 4 pieces maybe. Yeah. That looks disgusting. It's not disgusting. Just try. It looks like there's meat inside. No meat inside. No. No, thank you very much. Thank you very much. Hello. Just give them. और फिर आज हमारा बहुत ही ज़्यादा ना टायर्ड डे था, हम आ गए हैं घर और ये इसने वहाँ से ली थी स्वीट स्ट्रीट और आई डोंट नो ये इसने क्या सोचा वहाँ से लेने के लिए। मैंने तो पहले ये बहुत दफ़ा ट्राई किया हुआ है और मुझे पता है कि ये कितना ज़्यादा इसमें जो है ना शुगरी है, मतलब इसको खाने के बाद ये फील हो रहा था लिटरली कि जैसे ना मुँह में आपने पता नहीं कितना को ज़्यादा शुगर जो है ना अपने अंदर डाल लिया हुआ है, मतलब इतना हाई लेवल पर शुगर था। एक तो था ना एक जो मतलब कम मिनिमम सा हो तो आप उस चीज़ को टेस्ट को इंजॉय भी कर सकते हैं, इसमें वो बात ही नहीं थी। मैंने तो है ट्राई भी नहीं किया और मैं वैसे भी नेटफ्लिक्स देख रही थी,
मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी वो, और बाद में मैंने फिर जो है ना ये वैसे ही अपनी टी जो है ना ये पाए पड़ी हुई थी घर, कस्टर्ड पाए, तो मैंने इन्हीं से यही खा ली क्योंकि मुझे इसमें जो है ना शुगर कम लग रही थी, उसमें तो एंड उन्होंने लेवल पे शुगर जो है ना ऐड की हुई थी। अगेन बस मेरे भाई को लेना था तो उसने ले लिया, मैंने उसको बड़ी दफ़ा कहा कि कम लो, लेकिन फिर भी उसने 4 पीसेज ऐड करवा लिए और ये देखने में बहुत स्मॉलर साइज़ के लग रहे थे, अदरवाइज़ इसका जो है ना अच्छा खासा साइज़ था, और ये 4 पीसेज से और ये आधा भी पीस उससे जो है ना फिनिश नहीं किया जा रहा था, इतना ज़्यादा मतलब इसे स्वीट था। और फिर यही इस ब्लॉग का एंड है, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।